टीएस टीवी में आपका स्वागत है। अजमेर ऐतिहासिक तारागढ़ की पहाड़ी पर दरगाह मीरा सैयद हुसैन के इमाम हुसैन बारगाह में शिया समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बड़े नवासे हजरत इमाम हसन की योम शहादत पर उन्हें किया याद। इस मौके पर सभी नौजवान और बुजुर्ग महिला काले लिबास में नजर आए। हजरत इमाम हसन की शहादत के मौके पर इमाम बारगाह में मजलिस हुई और देर रात्रि में देखते हुए अंगारों पर चलकर किया गया मातम। इसके बाद नवाखानी हुई, कई लोगों ने इस कार्यक्रम में लिया भाग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। आज 28 सफर को लेकर किस तरीके का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया? आज 28 सफर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात और उनके बड़े नवासे इमाम हसन अलैहि सलाम की शहादत के उपलक्ष्य में तारागढ़ पर मनाया जाता है। और 28 सफर को यहाँ पर आग का मातम होता है, आग के ऊपर चल के मातम करते हैं लोग और सीना जनी होती है और मौलाना तकरीर फरमाते हैं इमाम हसन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और क्या प्रोग्राम इसके अंदर किए जाते हैं आज के दिन में? प्रोग्राम क्या क्या मुनाकिद किए गए? आज दिन भर ही प्रोग्राम चलते हैं, घरों के अंदर नज़र वगैरह का अहतमाम होता है, दिन भर मजलिसें वगैरह होती हैं, शाम को इमाम बारगाह जो दरगाह शरीफ के हदूद के अंदर है वहाँ पर खुसूसन प्रोग्राम आग का जो खंदक का मातम होता है, आग के ऊपर चलकर अपने खराज अकीदत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं आग के ऊपर मातम करके और सीना जनी करके और नवाखानी करके। जिस तरीके से भी देखा गया मजलिस का प्रोग्राम चल रहा था, मौलाना कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मौलाना गज़नफर अब्बास साहब जो हैं वो दिल्ली से तशरीफ लेके आए, जो कि बहुत हिंदुस्तान के सबसे अव्वल के जाकिर हैं। और दूसरे मौलाना हैं मौलाना कर्रार मौलाई साहब जो मुजफ्फरनगर यूपी से तशरीफ लेके आए। आगे अपना प्रोग्राम कब तक जारी रहेगा? अभी ये 8 रबी अव्वल तक के ये प्रोग्राम चलेगा, दो महीने 8 दिन तक के या मुसलसल जो है गम के दिन रहते हैं और 2 महीने 8 दिन जो है शहदाए करबला और तमाम उनकी याद के अंदर जो होता है प्रोग्राम वो मनाया जाता है तारागढ़ के ऊपर। और ये प्रोग्राम जो है 8 रबी अव्वल तक के चलेगा। आपका नाम? सैयद हफीज़ अली, मेंबर दरगाह इंतज़ामिया कमेटी दरगाह हज़रत मीरा साहब।